अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक खैरियत से होंगे। तो आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह तैयार होकर और कहाँ जा रहे हैं? तो बताता चलूँ कि कहाँ जा रहा हूँ, बताते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी है, चलते हैं वहाँ पर। तो सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया, बाकी चलकर वहाँ करते हैं नाश्ता, देखते हैं क्या सीन है और कौन कौन रेडी है जाने। तो वी आर गॉन टू ड्रीमर्ड। ये हमारे भाई हैं नूर मोहम्मद। हेलो एवरीवन। तो हम जा रहे हैं ड्रीमर्ड और यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ट्रिप है हमारा। हाँ, तो बेस्ट एंजॉय बहुत करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ही हम हैं, ऑर्गेनाइज़र हम हैं, तो सब कुछ हमें ही देखना है। बाकी ये है कि सबको देखभाल कर बस में बिठा दिया है। एक ये हमारी जो ना डाइवो रेडी है और एक ये है, दोनों रेडी हैं। टाइम दिया हुआ था 8:45 का, लेकिन 8:45 को काउंट करके और हम यहाँ पर 12 पहुँच चुके हैं ड्रीमर्ड पे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर इतना सन्नाटा दिख रहा है कि ठीक है। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ट्रिप है और ऑर्गेनाइज़र आपके सामने है क्योंकि जूनियर हेड हूँ मैं ISBM का। और बाकी ये है कि हम इंजॉय करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हेयर वी कम, अब टिकट्स देख कर और रिजमेंट ले रहे हैं। बाकी ये उमेर है और हर जगह ये खारी करता रहता है, बाकी हम लेते तो बहुत कड़क धूप है यार। ये रिजमेंट हमारे हाथ में है, फोकस हाथ भी यार इतनी धूप नहीं फोकस पर। हाँ, अलग से छतरी लेके चलते हैं। ये हमारे सीनियर जा रहे हैं आगे, भागते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि अपने दोस्तों के साथ, अपने डिपार्ट वालों के साथ एंजॉय करते हुए जाएंगे। अच्छा, ये दिखाने का इतना फ़ायदा नहीं है कि लास्ट मैंने जब आया था तो मैप के बारे में आपको बता दिया था कि मैप किस तरह चलता है और आप कौन सा रास्ता लेकर हम कहाँ जा सकते हैं। तो अभी स्ट्रेट ही हमें जाना है क्योंकि लॉकर्स तक जाना है, लॉकर्स में अपना सामान रखना है, देन अपना एंजॉय करने के लिए निकलना है। बहुत गर्मी है और हम चलते जा रहे हैं, रास्ता ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये हमारा पहलवान भाई है, चल चल के थक चुका है। अब इसके हालत टाइट है, ये कह रहा है कि बस मुझे चारपाई दे दो या एक बेड दे दो और सो जाऊं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको लेकर आए एंजॉय करने के लिए। फेंकता साला। अब ये जज्बाती हो चुका है कि इससे ज़्यादा गर्मी लगी है। बाकी उमेर भाई हाथ हिला दो कैमरा में देख कर।
और समझ रहे ना, चलो समझते रहें, हम तो चलते रहेंगे। तो फाइनली हम लॉकर में अपना सामान रखकर और अब जा रहे हैं स्लाइड्स की तरफ जाएंगे, या तो जाएंगे हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ बोटिंग की तरफ जाएंगे या आर्चरी की तरफ जाएंगे, लेकिन जाएंगे लाजमी क्योंकि बिहार आए हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय करेंगे। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग चेक द व्यू। एंड यार ये खुला हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है ना, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पीछे स्लाइड्स हैं, लेकिन अभी ये स्लाइड्स का टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए हम पहले आर्चरी की तरफ जाएंगे या बोटिंग की तरफ जाएंगे, तो चलते हैं हम वहाँ पर और देखें क्या होता है। सो वेव पुल की तरफ हमारे कदम गामजान है और चलते जा रहे हैं। वेव पुल में आपको दिखाता हूँ कि वेव पुल का सीन क्या है और देख लें आप। कम बॉलिंग ऑलवाए, चलते हैं आप अंदर और देखते हैं कि क्या सीन है। चलो लेट्स गो। सो हेयर इज द एनवायरनमेंट ऑफ बॉलिंग ऑलवाए। सो आप देख लें कि कितना कूल है यार, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और हम भी बॉलिंग करेंगे ऑलवाए। सो चलो लेते हैं हम और उठाते हैं बॉल। ओके ये उठा लिया और हम वो वीडियो बना लेते हैं और हम जाएंगे। हम आए हुए थे बॉलिंग ऑलवाए में, तो बहुत सारा फन किया था, लेकिन एक सीन हो गया था, इस भाई के साथ प्रैंक हो गया बस यार। तो ये भाई इतना लेट पहुंचे कि जो ना बॉलिंग ऑलवाए का टाइम ही ख़त्म हो गया था। बहुत अच्छा प्रैंक हो गया, मैंने इस भाई को कहा था कि भाई अभी मत जाएं वहाँ पर, नहीं इसे वेव पूल में नहाना था। तो बाकी देखें इसकी हालत देखें, गरीब पैसे हैं ये। हम जा रहे हैं रोडियो पुल और ये नूर भाई हैं, सीनियर वेस जूनियर दोनों साथ ही हैं, हम साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। और ये हमारे पीछे ऑडियंस है, बाकी वहाँ पर चल के देखते हैं कि क्या सीन है, कितना मज़ा आता है वहाँ पर। तो चलो मिलते हैं वहाँ पर। हम गए थे रेड बुल रोडियो बुल, लेकिन वो बंद था, कह रहे थे कि 2 बजे आएंगे, 2 बजे स्टॉप आएगा, देन हम ही जो है ना रोडियो पुल इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन 2 बजे नॉट पॉसिबल कि हम लोग वहाँ जाएँ। तो अभी हम जा रहे हैं आर्चरी की तरफ और आर्चरी खेलेंगे। बाकी आपको ये डक्स में दिखा देता हूँ, डक्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत प्यारी लग रही है यहाँ पर, देखें। आर्चरी तो खेलते हैं हम भी और देखते हैं निशाना लगता है या नहीं लगता। मान गया तेरे को। ये ग्राउंड से
मार 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 ओ यार छेत्र निकाल ड्रीमवर्ल्ड के बाहर फेंक मार तू मार वाह बहुत बुरा वाला प्रैंक हो गया। तीन ट्राई किए थे, तीनों में से एक भी नहीं लगा, सारे हवा में उड़ गए। चलते चलते लग गई थी भूख और भूख का तोड़ होता है खाना, तो अब खाना खाएंगे हम के बाद हम बाकी एक्टिविटीज करेंगे। सो इकबाल हॉल की तरफ चल जा रहे हैं और इकबाल हॉल जाकर हम खाना खाएंगे। और बाकी बता देता हूँ आपको, ये मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कह रहे थे कि भाई हमें भी ब्लॉग में ले लो। चलो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। सो वी आर हियर इकबाल हॉल। नूर भाई क्या सीन है, क्या सीन है? बॉस ये है खाना लग चुका है और आपके खाने में आपका चिकन कढ़ाई है, okay. बिरयानी है, बिरयानी के साथ आपके नान है कढ़ाई के साथ, और इसके अलावा रिफ्रेशिंग में एक मैंगो ड्रिंक है और गुलाब जामुन है मीठे में। ओ जबरदस्त, जैसा कि नूर भाई ने बताया कि यहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ है और अब हम खाएंगे खाना क्योंकि काफ़ी चले और भूख लग गई है। और हम ये इकबाल हॉल है पूरा खाली। यार खाना तो खा लिया था, अब हिम्मत नहीं हो रही कि हम जाएं पड़ी और गोली। और ये उमेर भाई हैं जो कह रहे हैं कि हिम्मत की गोली इनके पास पड़ी हुई है, लेकिन लेंगे नहीं, हमारे पास खुद है। समझ रहे ना। तो चलें फिर, नहीं यार थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करें, फिर जाएंगे हम बेवकूल पे जाएंगे या स्लाइड्स पे जाएंगे। मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि 10 to 12 बॉयज़ का होगा और 2 PM हम गर्ल्स को देंगे, लेकिन अभी हम लेट आए थे तो इस वजह से हमने कैंसिल कर दिया, पूरा प्लान चेंज कर दिया। अब दोनों मतलब एक साथ होंगे, गर्ल्स बॉयज एट ए टाइम जो है ना स्लाइड्स यूज़ कर सकते हैं और वेवकूल यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास हैं इंट्रोडक्शन नहीं करवा सकता, आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं एक्टिंग कर रही थी जंगली यार। सो वी आर गोइंग टू वेवपूल और वेवपूल के लिए काफ़ी इंतज़ार किया था कि वेवपूल में जाएं हम। सो अभी हम वेवपूल में ही जा रहे हैं और बाकी जाकर फन करते हैं और मस्ती करते हैं। आप सिर्फ देखकर इंजॉय कीजिएगा क्योंकि आप तो हमारे साथ आ नहीं सकते ना, अगर आ जाएं तो बेहतर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जब भी आएंगे तो आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप आएं हमारे साथ, अगर आना चाहें आप तो। तो मैं आपको दिखा दूं वेवपूल के मनाज़र।
वो है पुल से होकर अब हम जा रहे हैं स्लाइड्स की तरफ। यार पानी खा रहा था, आंखें नहीं खुली, आंखें दुख रही है बहुत बहुत दुख रही है आंखें, आंखें खुल नहीं दी, बहुत चेहरा पानी था। सो स्लाइड्स तक पहुंच गए हैं और मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं। स्लाइड्स कैसी we are going to the top of the slide and बाकी देखते हैं कितनी नीचे है ये। सो हो चले क्या उमेर, उमेर चले उस वाली में, इस वाली में, इस वाली में जाना है, इस वाली में जाना है। मुझे तो देख के डर लग रहा है। चलो चलते हैं। फाइनली आज छोड़ कर बनानी थी वीडियो, बना ली। इट्स अबाउट ऑल फन, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, और क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ही हम थे तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और काफ़ी कुछ सीखने के बाद ये हुआ कि हम इतना काबिल हैं कि यूनिवर्सिटी की ट्रिप करवा सकते हैं यार, तो मतलब कुछ भी करवा सकते हैं। बाकी कुछ कहना तो था लेकिन आप समझ जाएं, अगर नहीं समझ रहे तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें, उस पर मैं बता दूंगा सब कुछ। तो बाकी अभी हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर, और वहाँ पर जाके ग्रुप फ़ोटो निकाल, ग्रुप फ़ोटो होगी, देन बसेस रेडी होंगी, बसेस में बैठेंगे और वापस यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले यहाँ का मौसम बहुत ही गजब का है, क्योंकि यार दिल गार्डन गार्डन हो गया ऐसा मौसम है। बाकी मैं आपको कहें तो मैं आपको दिखा दूँ, तो चलो आपको दिखा देता हूँ। ये था मौसम, और यार कपल से इधर था, अकेला आया था तो इतना इन्जॉय तो बहुत किया है, क्योंकि यार इन्जॉय करने ही तो हम जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं और कुछ नया सीखने के लिए जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी ट्रिप पे ऑलमोस्ट के वो ही थे कि हम ऑर्गेनाइज़र थे, तो इस बार तो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज़र हैं भाई। बाकी आपको कोई क्यूरी हो पूछने के लिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा कि किस तरह ट्रिप अरेंज करवाते हैं, किस तरह कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। बाकी यार कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यह ना कि पानी खा रहा था और चला गया हलक में, और इस वजह से आवाज़ नहीं निकल रही, और आँखें तो देखें पूरी लाल हो रही हैं और इतनी दुख रही है कि क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा दुख रही है और पेन हो रहा है, सही से खुल नहीं पा रही, और ऊपर से क्या गजब का मौसम है यार। बाकी आज है ना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की आपके पास अपडेट आती रहें। यार क्या कहूँ,
कहते हैं, ये हमारी टीम है जो पीछे वेट कर रही है, वो रही सामने। लेकिन हम जाने का दिल नहीं कर रहा, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ। We are going. Buses ready हैं, सब बैठ चुके हैं और हम भी अभी बैठेंगे और निकलने की करेंगे आप। अभी हमारे साथ हैं नूर मोहम्मद, जो कि हमारा सीनियर एडवेंचर सोसाइटी के हेड थे। तो इनसे हम जानेंगे कि ट्रिप अरेंज करते वक्त हमें कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई और आगे कौन कौन सी इस ट्रिप में हमें कौन कौन सी गलतियां की और नेक्स्ट टाइम हम वो नहीं करेंगे। तो नूर भाई, आप हमें बताएं। यार, सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो बरसात थी। बरसात की वजह से रोड जगह सारे ब्लॉक थे, उसकी वजह से ना बहुत एक लेट भी हो गया था और बहुत सारे परेशान भी थे, पेरेंट्स भी परेशान थे। तो एक ये बड़ी गलती थी कि मूनसून में रखा गया था। सही। और उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल थी बच्चों को वापसी में टाइम पर निकालना, तो 1.5 घंटा लेट हो गया। और अब तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ से टाइम पर वापस जाना, क्योंकि सभी बरसात शुरू हो गई। इवेंट तो बहुत अच्छा गुजरा और इवेंट के दौरान सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, अलीशिया ने बहुत अच्छे से काम किया। तो आप बता दो ना आपको, क्यों कराची में बहुत बरसात हो रही है, तो रिसेंटली अभी भी यहाँ पर बरसात हो रही है और इतनी तेज़ है कि कुछ बता नहीं सकता, मतलब समझ रहे ना, तो वो चीज़ है। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट ट्रिप बहुत जल्दी आएगा और न्यू ब्लॉग्स आते रहेंगे। लेकिन अभी क्योंकि मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है, कल से मुहर्रम स्टार्ट है, तो इस वजह से हम ब्लॉगिंग को थोड़ा कम रखेंगे, ब्लॉगिंग मतलब नहीं करेंगे। बाकी आएंगे हम और बहुत सारा फन किया और इंजॉय किया, ट्रिप ऑर्गेनाइज किया, हर एक एक्टिविटी की करवाई और बहुत सारा फन करके अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत थक चुके हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग से सोए नहीं थे ऑर्गेनाइजिंग के चक्कर में। फन और ये है कि न्यू वीडियोस आती रहेंगी और मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन की सीरत वगैरह को बयान करेंगे, बाकी वीडियोज़ आएंगी, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें और मुझे इजाज़त दें। बाकी मिलते हैं एक नए ट्रिप के साथ, तब तक के लिए आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम।